फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही हैजा का किस तरह से उपाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक के अनुसार प्याज जो होती है वह कॉलेरा के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यह आपको इस समस्या से बहुत ही जल्दी बाहर निकालती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा आधी प्याज और 7 से 8 काली मिर्च। ये दो चीज़ें होती है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। आपको क्या करना है, इस मिश्रण का पेस्ट आपको बनाना है, आधी प्याज और 7 से 8 काली मिर्च का, और आपको इन्हें 3 हिस्सों में बांटना है। अब इन हिस्सों को दिन में आप 3 बार सेवन करिए और यह जो प्रक्रिया है आपको लगभग 1 सप्ताह के लिए अपनानी है। इसके अलावा आप कुछ और चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद प्याज, करेले का रस और नींबू का रस। आप इसे किस तरह से अपना सकते हैं, 2 चम्मच सफ़ेद प्याज ले रहे हैं आप और 2 चम्मच करेले का रस डालें और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाइए। अब आपको इस मिश्रण का दिन में 2 बार सेवन करना है। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है यदि आपको हैजा की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने आपको 2 आसान प्रयोग बताए हैं जो कि हैं प्याज के, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि प्याज जो होती है वह एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुणों से भी भरपूर होती है। यह और भी आपको कई सारी समस्याओं से बचाती है, लेकिन हैजा की समस्या में यह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।